অল ইন্ডিয়া ইউনানি তান্নাবি কংগ্রেসের তরফ থেকে ইউনানি ঔষধের প্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার পালন করা হয়। অল ইন্ডিয়া ইউনানি তিব্বি কংগ্রেসের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ একক এবং ইউনানি ঔষধের রাজ্যের কাউন্সিল প্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার ও বিশ্ব ইউনানি ঔষধ দিবস পালন করল। ন্যাচুরোপ্যাথা গ্রুপ এই সেমিনারটি পরিচালনা করে। উপস্থিত ছিলেন সেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ও এমপি নাদিমুল হক। এছাড়াও ছিলেন এমপি হাসান ইমরান ও ডাক্তার মোহাম্মদ ওবেদুল্লাহ বেগ ও খালিদ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ। স্যার, যে ইউনানি কা প্রোগ্রাম চল রহা হ্যায় স্যার, ইসকে বারে মে আপ কুছ কহনা চাহতে হ্যায়? দেখিয়ে, আয়ুষ মেডিকেল সিস্টেম জো হ্যায় আজ বহুত তেজি সে উপর আগে আ রহা হ্যায় और इसके लिए बाज़ाब्ता एक विभाग है और आयुष का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है यूनानी मेडिकल सिस्टम। और यूनानी डेफिनेटली बहुत आगे की तरफ जाने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम यूनानी वालों को एक प्लेटफॉर्म पे आना है, हम लोगों को यूनाइट होना है और फिर यूनानी के लिए काम करना है। यूनानी मेडिकल सिस्टम आयुर्वेदा, योग, होम्योपैथी किसी से इन्फीरियर नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं बोलूँगा सुपीरियर है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे से अपने नॉलेज शेयर करें। आज बहुत सारे लर्नेड लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स जो भी आए हुए हैं, जो या जो भी लोग आए हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि उन लर्नेड लोगों से बात सुने और समझें कि यूनानी क्या है और उसका फ़ायदा उठाएं। आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है? आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि यूनानी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने वाले थे, पीछे जा रहे हैं, तो अब हम एकदम से एक्सेलरेटर लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसी एक फिज़ा बनाना चाहते हैं कि ये हवा सेंट्रल मिनिस्ट्री तक पहुंचेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और यूनानी इंशाल्लाह कायद होगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद उबैदुल्लाह बेग मेरा इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मैं यूएन एम्बेसडर हूँ, हम इंटरनेशनल यूनानी फिजिशियन हूँ और हर्बल बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मेरा तकरीबन पूरी दुनिया में यूनानी पर काम है और तकरीबन 17-18 कंट्री में मैं लेक्चर्स मेरे होते हैं और यहाँ ये यूनानी तिब्बी कांग्रेस के साउथ मतलब उन्होंने जो है, मैं उसका जो है एक नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और उन्होंने ये जो मतलब स्टेट के लेवल की एक हो रही है तो मैं रहना ज़रूरी है, तो उस लिहाज से मैं यहाँ पर, मेरा एक लेक्चर है यहाँ पर मुफरदात पे, मतलब सिंगल ड्रग्स पे मेरा काम है। तकरीबन 18 सालों से सिंगल ड्रग्स पे काम कर रहा हूँ। यूनानी पति के जो लोगों को यूनानी पे भरोसा नहीं है, उसको वापस यूनानी पे लेके आ रहा हूँ, घर वापसी, ये मेरा मिशन है। तकरीबन 18 सालों से इसी पर काम कर रहा हूँ डिफरेंट स्टेट्स में। अल्लाह के फज़ल से आप आज के दौर के अंदर 4-5 हज़ार डॉक्टर सिर्फ मेरे नुस्खों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको हम जो है फिर वापस हमारे प्लेटफॉर्म में लेकर आ गए हैं। और एक हद तक यही कोशिश है कि यहाँ भी ये कलकत्ता के अंदर जो कॉलेज है उनके और दूसरे जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको फिर वापस यही पति पे लाके फिर इसको हम डेवलप करें। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ जो है बोलते रहेंगे, लेक्चर्स भाषण देते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, जब अमल करके बताएंगे। इसीलिए एक मशहूर यह है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और इसी तरह यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। अगर अमल के साथ आप जो है यकीन के साथ अमल नहीं रहा तो बेकार है, सिर्फ बातें करके कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हम इसकी अमल की तरफ लेकर आ रहे हैं और मैं मेरे मतलब के 17 साल के तजुर्बे के सिंगल ड्रग्स के बहुत आसान नुस्खे सबको पेश कर रहा हूँ जो आसानी से आप मतलब में उठा के प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है और ड्रग्स भी बहुत कॉस्टली नहीं है, एकदम चीप ड्रग्स है। आप छोटे छोटे नुस्खों से बड़ी बड़ी बीमारियों को हम ट्रीट कर सकते हैं। यूनानी में एक बहुत बड़ा, एक ऐसा बेहतरीन, दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है और 4000 साल नहीं, 8000 साल, अक्सर लोग 4000 साल समझते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं, 4000 साल से हमारी बुखारात ने हमको थियरी दी, हिपोक्रेट्स ने हमको जो है फंडामेंटल्स दिए, लेकिन उससे पहले जब इंसान, पहला इंसान ज़मीन में कदम रखा उसी के साथ इस तिब को जोड़ा गया और तिब के पूरे राज बताए गए, वहीं से आज तक हमारी तिब यूनानी आ रही है। इससे आज तक जो हमारे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तिब से जुड़े हुए हैं, सब ये बात को तस्लीम करते हैं कि जब इंसान पैदा हुआ तब से तिब शुरू हुई, तो वही तिब आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी पर हम सब फिर वापस ही लेकर आए। एक दिन ज़रूर आएगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि पूरी दुनिया के अंदर लोग यूनानी ज़रूर करेंगे और उसको चाहेंगे और उस पर इलाज करेंगे कि ये नेचुरल टाइप का इलाज है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। एलोपैथी बना 100 साल से, 100 साल से पहले एलोपैथी की एक आप मिसाल नहीं दे सकते, तो उससे उसके बाद के जितने भी मतलब आप सिस्टम अभी आए हैं मौजूद में, ये सब ऑल्टरनेटिव सिस्टम इसलिए कहलाते हैं कि उनके पास एक पक्का और 100% प्रूवन इलाज है। एलोपैथी में लोग सिम्टम का इलाज करते हैं, हम सिस्टम का इलाज करते हैं।
हम इलाज सिस्टम का करते हैं, इसीलिए पूरी बीमारी क्योर है, क्योर होती है। आप कोई किसी को पूछेंगे माइग्रेन क्यों भाई आपको क्योर नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि इडियोपैथिक काज, उसका काज हमको मालूम नहीं है। हम बोलते हैं माइग्रेन का काज दिमाग के अंदर का जो बलगम ज़्यादा हो गया है वो जाकर जमा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज हुआ है, जिसमें सर्कुलेशन नहीं जा रहा है ब्रेन के आर्टरीज में, उसकी वजह से हमको यह माइग्रेन का दौरा पड़ता है। तो हमारे पास काज है तो हम उसको काज को इलाज करते हैं तो बीमारी सही हो जाती है। वो पेन किलर देकर तकरीबन आपको रोजाना पेन किलर खा खा खिला खिला के मार देते हैं, फिर भी उनको जो है वो क्योर नहीं होता। लेकिन हमारे यूनानी सिस्टम के अंदर हम रूट काज को ट्रीट करके, रूट काज को बेस करके हम ट्रीट करते हैं तो कंप्लीट क्योर हो जाता है। कैमरामैन दीपांकर चौधरी के साथ मैं परवेज हाशिम, 24 आवर्स टीवी।